मैं जुबैर अशरफी 23 दुनिया न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। लॉकडाउन की वजह से कई मजदूरों के खाने पीने के लाले पड़ गए थे, जिसके बाद प्रवासी मजदूरों ने अपने घर के लिए रवाना होना शुरू कर दिया था। इन मजदूरों को रास्ते में भी खाने पीने की दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन मध्य प्रदेश में इनके प्रवेश करते ही सेंधवा शहरवासियों ने इनके खाने पीने का बेहतरीन इंतजाम किया। देखिए कोरोना संकट में मजदूर के हाल। इस साल हम ईद बहुत सादगी से कर रहे हैं, कि आने वाले जो मजदूर बाहर से थे बहुत परेशान थे बेचारे, तो इनकी पूरी हेल्प करी, खाना पीना पूरा हम उनके पूरा उनके साथ ही चल रहे हैं। हमने ना नए कपड़े बनाए, ना बच्चों को कपड़े लाए, सब उनके साथ में ही हम हैं। पूरा हमारा मुस्लिम समाज की जानिब से इस बार ईद बहुत सादगी से मनाई जा रही है। बच्चों के और हमारे भी किसी तरह के कोई कपड़े या अन्य खरीदी नहीं की गई है। जो भी पैसा बचा था वो हमारे जो मजदूर भाई जो गुजर रहे हैं हाईवे से, उनके खाने और पानी की व्यवस्था में खर्च किया गया है। सुबह शाम दोपहर चाय नाश्ता खाना, कम से कम प्रवासी 10 से 15 हजार मजदूरों को डेली खाना खिलाया जा रहा था। मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा कि ईद से बढ़कर ईद का तोहफा अल्लाह ने हमें अता किया था और हमने उस तोहफे को कबूल किया और गरीब मजदूर परेशान लाचार भूखों को खाना खिलाने में हम कामयाब हुए। हम बड़े फख्र महसूस करते हैं कि हमें ईद से बढ़कर ईद का तोहफा अल्लाह ने दिया। अल्लाह का शुक्र एहसान है। सभी ठीक है सर, हमारा बच्चे लोग जो दिन भर रोजा रखते हैं और रोजा रखने के बाद भी दिन भर मेहनत करके खाना तैयार करते हैं, और खाना तैयार करने के बाद वो शाम के टाइम में 8 बजे करीब यहाँ लेकर के आते हैं रोजा अफ्तार करने के बाद में, और करीब करीब 12 से 1 बजे तक यहाँ पर जो भी आता है उसे खाना खिलाते हैं। पार्सल होता है तो पार्सल भी देते, ताकि उन लोगों को आगे जा करके खाना काम में आ जावे। और हम खाना जो है इतना घर से का बिल्कुल खाना बना करके देते हैं। दोनों टाइम हमारे बच्चे बड़ी मेहनत करते हैं, सुबह से जो लगते हैं तो शाम तक के खाना तैयार करने के बाद में दोपहर को इतनी भर धूप में यहाँ पर लोगों को खाना खिलाते हैं। समाज का कोई वो नहीं, धर्म का कोई बंधन नहीं,
केवल मानव सेवा करने का है, मकसद ही है बच्चों का। पूरे जितने भी मोहल्ले हमारे वार्ड के अंदर है, सभी बच्चे यही काम करते हैं। यहाँ से लेकर के बिजासन तक करके 5 से 7 स्टॉल लगते हैं हम लोगों के, और सभी जगह चाय पानी नाश्ता खाना जैसा भी बनता है, जो भी बनता है, कहीं चावल बना देते हैं, कहीं दाल रोटी बना देते हैं, कहीं पर सब्जी रोटी बना देते हैं। उन लोगों को खिलाना, बस खिलाने का मकसद है। करीब करीब ये हम लोग के दोनों टाइम 12-1 बजे दोपहर में, रात में 12-1 बजे तक बिल्कुल खाना खिलाते रहते हैं यहाँ पर। हमारा मकसद यही है कि मानव सेवा करना है। हमारे पास कोई धर्म नहीं, कोई कर्म नहीं, केवल मानव। रमजान महीना चल रहा है, रमजान महीने के अंदर यूँ भी हमारे हम लोगों के अंदर यूँ है कि लोगों को खिलाने, लोग खिलाते पिला रहे हैं, बस लोगों की जितनी भी परेशानी आती है उनकी परेशानियों को भी दूर कर देते हैं। वहाँ पर कोई ड्राइवर आता है, किसी की तबीयत खराब हो जाती है, किसी गाड़ी खराब हो जाती है, तो स्कूल करवा देते हैं, तो उसके अंदर मैकेनिक कोई पैसा नहीं लेता, डॉक्टर लोग कोई पैसा नहीं लेता है, मेडिसिन ला करके दे देते हैं उन लोगों को, रिलीफ हो जाता है, बेचारे लोग गाड़ी में बैठ करके चले जाते हैं। बड़ी दुआएं देते हैं वो लोग, बड़ी दुआएं देकर के जाते, बड़े खुश हो जाते हैं कि हमें महाराष्ट्र में के अंदर कहीं से पानी तक के नहीं मिला। एमपी के अंदर कितना इंतजाम है लोगों का, एमपी में लोग कितना खाना खिलाते हैं हम लोगों को, ये लोग बोल करके जाते हैं, बेचारे खुश होकर के जाते हैं, खाना खाते खाते बेचारे रो देते हैं। इतने परेशान लोग आ रहे हैं बेचारे, कोई पैदल आ रहा है, कोई साइकिल पर आ रहा है, कोई मोटरसाइकिल पर आ रहा है, कोई ट्रकों के अंदर आ रहा है। देखो तो जिधर देखो उधर देखो, परेशानी का हाल है, बेचारे पैदल चले आ रहे हैं। उन लोगों को करीब करीब 1 महीने से हम लोग खाना खिला रहे हैं यहाँ पर। क्यों एम्बुलेंस नहीं गया?